Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexterous Zone. और आज हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि CMA फाउंडेशन से के मैथ पेपर से रिलेटेड है, मैथ एंड स्टैटिक पोर्शन से, प्रोबेबिलिटी का, जो कि है बेसिकली आपने देखा होगा गाइज कि जो आपका ये टॉपिक होता है ओड्स, एक कॉन्सेप्ट होता है ओड्स इन फेवर या फिर अगेंस्ट, ये है क्या। पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। सो गाइज, इसको आप एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल समझ सकते हो। लेट्स से मैं आपको एक बॉल देता हूँ, एक ना बॉल देता हूँ, गेंद देता हूँ, ठीक है। सो आपको कहता हूँ कि एक टारगेट है, लेट्स से ये एक टारगेट है, यहाँ पर आपको हिट करना है इसको, ठीक है। या फिर यूं कह लें विकेट, जो क्रिकेट के विकेट होते हैं हमारे, वहां पर आपको हिट करना है, ठीक है, क्रिकेट के विकेट पे। और एक ओवर देता हूं, वन ओवर, एक ओवर दे देता हूं, ठीक है। यानी कि एक ओवर में सिक्स बॉल होती है ना। सो आप छह बॉलों में से, छह जो बॉलें थी उसमें से क्या करते हो गाइस, पता है आप, आपके चार तो सही लगते हैं, निशाने पर लगते हैं बिल्कुल चार बॉल, और जो आप दो बॉल फेंकते हो उस पर आप सही निशाने पर नहीं लगते, इधर उधर लगते हैं। मतलब चार में आप सक्सेसफुल हो जाते हो और दो में आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो गाइस, ठीक है। दो में आप क्या हो जाते हो, फेल, और चार में क्या सक्सेसफुल हो जाते हो। तो अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी निकालें सक्सेस की गाइस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, लेट्स से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हमें पता है फेवरेबल इवेंट कितनी है हमारी, सक्सेस की चार हो गई, चार, और टोटल इवेंट कितनी थी, सिक्स, तो ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। और अगर हम देखें फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फेवरेबल कितने होंगे फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फेल की कितने हुए, दो, और टोटल इवेंट कितने, सिक्स, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर आप ऐसे देखें इसको, ये क्या है, ये ओड्स है बेसिकली, मतलब अगर हम ये कहें 4:2 है, ये मेरा सक्सेस रेट हो गया, मतलब रेशियो निकाले हम, रेशियो ऑफ सक्सेस ओवर फेलियर, तो मेरा ये रेट हो गया है ना, यानी कि जो मेरा रेशियो हो गया, अगर मैं देखूँ रेशियो, तो इट विल बी सक्सेस अपॉन फेलियर, दैट विल बी बेसिकली 4:2, और अगर मैं फेलियर का रेशियो सक्सेस के ऊपर निकालूँ तो दैट विल बी 2:4, राइट। एंड उसका रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, उसका रेशियो हो जाएगा फेलियर अपॉन सक्सेस, है ना, दैट विल बी 2:4। सो अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली पता है क्या है, ओड्स इन फेवर है, ये फेवर का है, ओड्स इन फेवर, ठीक है। सो ओड्स इन फेवर इसको बोलेंगे हम बेसिकली, और ये जो है हमारा, ये क्या है, ओड अगेंस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओड्स अगेंस्ट है। ये हमारा क्या है, ओड्स इन फेवर में है, यानी कि फेवर सक्सेस का रेशियो है, और ओड्स अगेंस्ट का, यानी कि फेलियर का रेशियो है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फेवर वाला सक्सेस का रेशियो और अगेंस्ट वाला जो है बेसिकली फेलियर का रेशियो होगा। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखो तो गाइस होता क्या है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी है क्या, बेसिकली चांस है, होता है चांस होता है, और चांस जो दो चीजों को होगा, ईदर ऑफ हैपनिंग और ऑफ नॉट हैपनिंग, या तो चीजें होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। हैपनिंग का भी हो सकता है और ना होंगी, लेट्स से हैपनिंग जो है मेरी 60% है, 60% है मेरी हैपनिंग, ठीक है। सो 40% नॉट हैपनिंग होगी, तभी तो हम कहते हैं कि इसको हैपनिंग और नॉट हैपनिंग को मिलके एक इवेंट होती है, यानी कि तभी तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नॉट हैपनिंग को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है पी इंटू इनका सम, अगर हम देखें दोनों का, पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। सो गाइज, यही वो हुआ कि सक्सेस रेशियो जो होगा वो हम ऑड्स इन फेवर काउंट करते हैं उसको, और जो हमारा फेलियर रेशियो होता है, नॉन हैपनिंग हम जिसको बोल सकते हैं, वो क्या होता है हमारा, ओड अगेंस्ट होता है। तो आई होप गाइज ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं प्रोबेबिलिटी की जो अनसोल्व एक्सरसाइज है, जो सेट ए, सेट बी, सेट सी में दी हुई है, वो भी सोल्व करके डालने वाला हूँ सारे क्वेश्चन। एंड इसके अलावा जो भी आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स तो ऑफ़ कोर्स एक पूरा सब्जेक्ट ही समझ लो आप, एक पोर्शन है 40% जो है मैथ के पेपर का। सो मैं भी उस पर भी डालूंगा। सो जो भी अपने स्पेसिफिक चैप्टर्स में उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, उन पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, और जो अनसोल्व एक्सरसाइज है उन पर भी बनाऊंगा जिन जिनसे मुझसे बोला गया है। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है एंड यू वॉन्ट द एक्सरसाइज टू बी सॉल्व, जो हमारे मैथ के पेपर में दी हुई है या स्टैटिस्टिक के पोर्शन में दी हुई है, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी प्रोबेबली या हाँ, तो मैं इस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करके डालूंगा। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।